एक महिला होकर इतना पीछे पीछे चली। एक महिला पटना की सड़कों पर भटकती रही, लेकिन एक बार भी नहीं मिले। आपको समझा दीजिए, 48 घंटा से हम जब से सुनी के बसपा में चला गया, धैर्य बना कर। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप निज फाउंडेशन देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी में रही सीमा कुशवाहा का दर्द छलक गया है। उपेंद्र कुशवाहा पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सीमा कुशवाहा ने फेसबुक लाइव करके अपने अंदर छिपे दर्द का इजहार कर दिया है। सीमा कुशवाहा लाइव में खूब रोई हैं, उपेंद्र कुशवाहा को खूब सुनाया है, किस तरीके से हमला बोला है, सुनिए इस पूरे वीडियो। 4 तारीख को ही और हम पटना की सड़कों पर उनके आवास पर, पहले पटना कार्यालय में, पार्टी कार्यालय पर चक्कर लगाते रह गए। एक महिला होकर इतना पीछे पीछे चली। एक महिला पटना की सड़कों पर भटकती रही, लेकिन एक बार भी नहीं मिले। सर से मैसेज किए, सर एक बार हमको समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे, लेकिन बात तो कर दीजिए, हाँ या ना बोल दीजिए, हमको समझा दीजिए। 48 घंटा से हम जब से सुनी के बसपा में चला गया, धैर्य बना कर। लेकिन कुछ जवाब नहीं दिए, जवाब नहीं दिए तो हम वहां से, कल जब हम इस्तीफा दे रहे थे, हम रास्ता में निकल पटना से चल दिए, अपने घर आ रहे थे कुछ अस। उसी बीच बहुत सारा फोन आ रहा था विधानसभा से, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग बोले कि अब नहीं मिलेगा, हम आ रहे हैं लौटकर, टिकट हमको नहीं मिलेगा, वो हमको चुनाव नहीं लड़ाना चाहते। चुनाव लड़ाना चाहते तो एक महिला होकर हम सड़क पर भटक रहे हैं। अब पुरुष लोग को देकर अलविदा कर दिए, लेकिन वहां से जब हम पटना से निकल रहे थे तो जो पप्पू यादव जी हैं, उनकी जो पार्टी है, वहाँ के लोगों का फोन आने लगा। लोग बोले कि सुने हैं कि ऐसा ऐसा है, आपका टिकट कट गया। हम कहने के, हाँ टिकट कट गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग अपने घर जा रहे हैं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, अब हम निकल रहे हैं अपने घर। तो बोले कि देखिए, मेरे सर मिलना चाहते हैं आपसे, पप्पू यादव जी मिलना चाहते हैं, आप मिल लीजिए उनसे। हमने, हम किसी से नहीं मिलना है, अब हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हम निकल रहे हैं, हम, मेरा मन ठीक नहीं है, हम निकल रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि बेटा, हम तुम्हारे बारे में बहुत सुने हैं, एक बार मिल लो हमसे। बोले कि नहीं, अब हम, मेरा दिल नहीं कर रहा है कि अब हम पटना में रहें, हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर, क्योंकि यहाँ पाकर हम पटना में भटक रहे हैं। 5-5, 6-6 घंटा हम उनकी आवाज पर इंतजार करें कि मिला दीजिए एक बार, वो मिलने से इनकार कर दिए, हम अब निकल रहे हैं। हम उनसे जवाब चाहते थे, कुछ भी हमको समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे। लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट किए कि नहीं मिल लीजिए एक बार हमसे। तो हम लोग गए, फूल गुलदस्ता से स्वागत किए, बोले कि हमारे दरबार में भगवान आ गया, देवी आ गई। बोले कि हम अपने मन में बोले, सर आप हमको भगवान देवी समझ रहे हैं। पप्पू यादव जी बोले, पर मेरे मन में, हम अपने मन में बोले कि मेरे मन में कोई और भगवान है, लेकिन वो भगवान मुझे नहीं चाह रहा है। बोले कि बेटी,
तुम बहुत मेहनत किए वहां पर, हम बहुत सुने हैं तुम्हारे बारे में, तुम मेरे पार्टी ज्वाइन कर लो और ये टिकट लो अभी और चुनाव जाकर वहां लड़ो करहगर में। हमने बोला कि मेरा इच्छा नहीं है, मेरा अब इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने का, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी भी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, मेरा इच्छा नहीं है, मेरा इच्छा टूट गया है, अब हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो लोग फूल गुलदस्ता देकर मेरा स्वागत किए, मान सम्मान दिए, लेकिन हम पार्टी नहीं ज्वाइन किए। उसी बीच लोग फोटो खींचे, लोग सोशल मीडिया पर डाले और हम लोग वहाँ उनसे मिलकर बस निकल गए। बोले कि नहीं, हमको अब चुनाव लड़ना ही नहीं है। नहीं बेटा, तुम तैयारी की हो, वहाँ से लड़ोगे तो जीत जाओगे। हमको नहीं, अब हमको नहीं लड़ना है, मेरा इच्छा खत्म हो गया, अब मुझे अब आगे के लिए हम भले कुछ सोचेंगे लेकिन अभी मेरा कुछ चुनाव लड़ने का मन नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे हम चुनाव। बस वहीं से अब हम निकल गए, निकल गए। जब सोशल मीडिया पर वो फोटो चला तो एक बार जब फिर मतलब पटना से निकल ही रहे थे तो एक बार ड्राई किए उपेंद्र कुशवाहा जी पर, देखते हैं क्या फोन उठाते हैं कि नहीं। तो बहुत किए, 2 दिन से फोन किए, मैसेज किए, कुछ नहीं जवाब दिए। जब शायद कहीं मेरा फोटो देखे होंगे पप्पू यादव जी के साथ, तो फोन रिसीव किए, बोले कि सीमा बसपा के खाता में चला गया है, कुछ नहीं हो सकता है। हम बोले कि सर बसपा वाले लोग बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर जानबूझकर थोपा गया है, उसका वहाँ कौन उम्मीदवार होगा वो आप तय करेंगे। तो नहीं, वो उसके खाता में चल गया, वो नहीं तय करेगा। पर सर वो लोग तो नहीं चाह रहे हैं ना कि हमको करागर मिले, वो तो दिनारा मांग रहे थे, अब दिनारा कहीं नहीं देती है। हमारा तैयारी था 5 साल से, हमने पार्टी के लिए भी का नहीं किए, दिन रात हम मेहनत किए, आपसे हम 24-48 घंटा से मैसेज किए पूछे, सर हमको समझा दी पूछ नहीं, अब हम सर घर निकल रहे हैं।